मसूरी में जिला प्रशासन और एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने मासोनिक लॉज में हॉल में बनी 3 मंजिला में करीब 40 फ्लैट्स को सील कर दिया है और मासोनिक लॉज में चल रहे अवैध निर्माण को भी रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने प्रशासन और एमडीडीए को इस कार्रवाई का विरोध किया है और एमडीडीए के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मासोनिक लॉन्च में नगर पालिका की ओर से बनाए गए 40 फ्लैट्स के आवंटन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनके बाद 40 फ्लैट्स पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर मसूरी एसडीएम ने कार्रवाई की है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी जिसमें ये एमडीडीए के बायलॉज के खिलाफ जो निर्माण हो रहा था उसके उसमें जो है इसको सील कार्रवाई की गई। जो तो सारे कमरे हैं उनको जितने भी आदेश होते हैं 40 कमरों को जो है सील किया है। देखिए ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए, उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है।